अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक। नो ओवन नो बीटर, बीटर और ओवन के बगैर हम चॉकलेट केक बनाएंगे और चॉकलेट सिरप भी हम घर में तैयार करेंगे। ठीक है जी, चॉकलेट सिरप जैसा कि आप जानते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, बाज़ार से लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको भी घर में ही तैयार करेंगे। यहाँ मैं चॉकलेट केक बनाने के लिए ले रही हूँ 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने। बेकिंग पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। चीनी ली है जिसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है। 1 कप मैदा, 1 कप ऑयल, 1 कप दूध 1/2 कप और कोको पाउडर है 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने अंडों को बीट किया। चीनी शामिल कर देंगे इसमें। चीनी आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने पहले पीस लिया था, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने 2 से 3 मिनट। इसमें अब हम डाल देंगे ऑयल। मिक्स कर लेंगे हम इसको। ऑयल भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। 1/2 कप दूध है ये। इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको हम साइड पे करेंगे। अब एक खाली बोल लेंगे हम, जिसमें हम डालेंगे मैदा। कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये जो हमने पहले मिक्सचर रेडी किया था, इसमें हम ये खुश्क पाउडर जो है सारा वो इसमें डाल देंगे और इसको हम आराम आराम से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है केक बनाते हुए। आप देख सकते हैं मैं इसको इस डायरेक्शन में हिला रही हूँ। अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में हिलाना शुरू किया है तो हाथ आपने इसी तरह रखना है। अगर आपने इस तरह शुरू किया है तो हाथ आपने इसी तरह रखना है। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। इस तरह हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें इतना पतला हमारा मिक्सचर है। अब हम केक बेक करने वाला सांचा लेंगे और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह आपने इसके अंदर ऑयल लगा लेना है। अच्छी तरह ऑयल लगा लिया हमने। बटर पेपर लेंगे हम और वो सारा इसके अंदर रख देंगे।
और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे सारा। ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करना है आपने, इस तरह केक चिपकेगा नहीं। अच्छी तरह हमने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। अब हम अपना मिक्सचर इसमें डाल देंगे। सारा मिक्सचर हमने डाल दिया इसमें, ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम अपने पतीले को गर्म करेंगे। ये देखें एक खाली पतीला, उसको चूल्हे पर रख लिया मैंने। आपने कोई भी बर्तन ले लेना जो कि डीप हो, प्रेशर कुकर भी आप रख सकते हैं, पतीला भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ रख सकते हैं आप। ये मैंने रख लिया पतीला चूल्हे पर और चूल्हे को चला लिया, ठीक है। मैंने एक जालीदार स्टैंड रख लेना है, ये देखें एक जालीदार स्टैंड हमने रख लिया। ये अपना केक वाला सांचा रख देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस तरह ऊपर से हम इसको ढक देंगे। ये आंच आप देखें हमने बिल्कुल इतनी सी रखनी है, ये आंच हमने चूल्हे की रखनी है, ठीक है। ज्यादा तेज चूल्हा नहीं रखना वरना आपका केक जलने का खतरा होगा। इसको हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रख देना है जी। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। चॉकलेट सिरप तैयार करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, कोको पाउडर 4 टेबलस्पून, चीनी 4 टेबलस्पून, मक्खन ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून और 1 कप दूध। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैं चॉकलेट पाउडर डालूंगी, चीनी डालूंगी, कॉर्नफ्लोर डालूंगी, इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे, एक ही दफ़ा में सारा शामिल नहीं करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह करके हम बाकी दूध भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको आपने इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। चूल्हे पे एक फ्राई पैन रख लिया मैंने, फ्राई पैन में हम ये मिक्सचर डाल देंगे। बिल्कुल हल्की सी आंच पे हमने इसको पकाना है, दम वाली आंच पे, ठीक है। इसको हम इस तरह पकाना शुरू कर देंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने, दम वाली आंच रख के इसको हमने पकाते जाना है। इसमें जो कोको पाउडर हमने डाला है वो चॉकलेट का जायका देगा और जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है वो थिकनेस देगा इसको। इसको हमने इसी तरह हलाते रहना है, हलाते आपने रहना, चम्मच नहीं छोड़ना। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसमें अब जाएगा मक्खन, मक्खन डाल देंगे हम इसमें। ये देख सकते हैं आप ये थिक हो चुका है, ये देखें
10 से 12 मिनट हमने इसको दम वाली आंच पे पकाया है। ये देखिए आप, चॉकलेट सिरप हमारा रेडी है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। पैंतालीस मिनट हो चुके हैं केक को पकते हुए, अब हम इसको चेक करेंगे। एक टूथपिक लेंगे हम, ये देखें जी, केक हमारा बिल्कुल पक चुका है। ये देखें, इसको हम निकाल लेंगे इसके अंदर से, इसको हम खोल लेंगे। केक को हमने सांचे से निकाल लिया, अब हम बटर पेपर उतारेंगे। इसको हमने अच्छी तरह ग्रीस किया था ऑयल के साथ, उम्मीद है कि हमारा बटर पेपर आराम से उतर आएगा। ये देखिए, ये ग्रीस करने की वजह से ये आराम से उतर रहा है। फिर हम इसको सारा उतार देंगे। अब हम नाइफ के साथ केक को कट कर लेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। दरमियान से कट करेंगे अब हम इसको। देखिए, केक के मैंने दो पीस काट लिए हैं दरमियान में से काट के। अब जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया था वो इस पे डालूंगी मैं। इसको अच्छी तरह मैं फैला लूंगी। सारी मैंने फैला लिया, अब हम दूसरा पीस लेंगे केक का। इस तरह उसको इसके ऊपर मैं रख दूंगी, सेट कर लेना अच्छी तरह। इसके ऊपर भी मैं सारी चॉकलेट लगाऊंगी। सारी चॉकलेट को हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह सारी चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल ली है। अब चॉकलेट इसके ऊपर सारी इस तरह मैं डाल दूंगी। कोई भी चॉकलेट लेके आप उसको छुरी के साथ बारीक बारीक इस तरह काट लें और इस तरह सारा ऊपर फैला दें। देखिए आप, इस तरह मैंने सारी चॉकलेट को केक के ऊपर डाल लिया। ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक हमारा तैयार है। इसको अब मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। केक को मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। ये देखें, नाइफ ऊपर रखते ही आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। काट के मैं आपको चेक करवाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक रेडी हुआ है। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल देसी पकवान में जरिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मगर आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।